सीटिंग ऑप्शन है डाउनटाउन कैफे में। और ये मैं जो आपको दिखा रहा था पीछे, ये है वाव मोमो। तो ये गाइस एक छोटा सा मिनी, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। सो अभी मैं दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, अंकित मेरा वेट कर रहा है बाहर, और हमने डियर पार्क जाने का सोचा है और खास विलेज, तो देखते हैं कहाँ कहाँ घूम पा रहे हैं, और इसके बाद मेरे को वापस निकलना है चंडीगढ़। दोस्तों पहुंच गए हैं भुजखास मार्केट, भुजखास मेट्रो स्टेशन से अभी निकले हैं, ये देखो पीछे, और अभी अपना दोस्त अंकित वेट कर रहा होगा, वो बस स्टैंड का कुछ बता रहा था आगे पीछे कहाँ है, तो इसको कॉल करते हैं और फिर जाते हैं सीधे भुजखास मार्केट। ब्रदर ऑल गुड ऋषि भैया, याद है ऋषि भैया ऑस्ट्रेलिया का। तो गाइस अभी हम निकल रहे हैं भुजखास मेट्रो स्टेशन से भुजखास विलेज की तरफ। तो दोस्तों भुजखास मार्केट में घुसते ही सामने देखिए कितना सुंदर नज़ारा। तो अंकित भाई मेन किस चीज़ के लिए फेमस है ये वाली भुजखास मार्केट है? जो मार्केट तो वैसे ज़्यादा फेमस नहीं है, बट यहाँ के जो बार वगैरह हैं, जो खाने की जगह बार का फेमस है, उसी के लिए शायद हमने सुना है। सबसे पहले तो आगे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, अच्छा फिर आगे आते एक और आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे थोड़ा व्यू भी आता है, लेक है ना पीछे थोड़ा सा, ओके ओके व्यू आ जाता है, और वो ये कि लाइव सिंगिंग के साथ डिनर करो तो इन चीज़ों के लिए थोड़ा फेमस है। और वहाँ पर लाइन आपको मतलब जितने बार वगैरह मिल जाते हैं, तो ये है गाइस म्यूजिकल बार, और इधर आप देख सकते हो इम्परफेक्टो, यहाँ पर नीचे इसका मेन्यू भी लगा हुआ है। दिल्ली में यार थोड़ा फ़ोन का सा फोन चक्कर है, चोरी वोरी ना हो जाए। ये है नाइट लाइफ किचन एंड बार, ये कितना सुंदर डेकोरेट करा हुआ है इन्होंने। और इधर नीचे ये कोस्टा कैफ़े है, और ऊपर भी बड़ा सुंदर सा एक बार है, वो दिख नहीं रहा है यहाँ पे, कवर नहीं कर पा रहा मैं। चलिए कोई बात नहीं, हम आगे की तरफ चलते हैं। अभी शायद हमारे साथी आगे निकल गए, ये देखिए क्रिएटिविटी आर्ट गैलरी, दिस इज अनदर बार बंक हाउस। तो ये गाइस एक छोटा सा मिनी मॉल है चुंबक, होम डेकोर का सामान मिलता है यहाँ पे, ये भी काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। ये देखिए स्ट्रीट फूड पार्क, बड़ा ब्यूटीफुल है ये देखिए दोस्तों सामने, सोफ विद लव ओवल बीन लाइफ, दिस इज डाउन टाउन विलेज एंड द टॉप वन इज द रेड फ्रॉग, सबसे ऊपर है बार फ्रॉग, तो पूरा बार ही बार है यहाँ पे बहुत सारे। और देखिए एपिक रेस्टोरेंट, ये है वाव मोमो। Thank you.
भाई जी बैठने के लिए बड़ी अच्छी जगह है यहाँ पे। ये देखिए बहुत अच्छा सिटिंग ऑप्शन है डाउनटाउन कैफे में। और ये मैं जो आपको दिखा रहा था पीछे से, वाओ, वहाँ से शायद वो गाड़ी के पास से मैं फोटोज क्लिक कर रहा था, वीडियो बना रहा था। यहाँ पे बैठ के आप ओपन एनवायरनमेंट का मज़ा ले सकते हैं। और ये देखिए मौसम कितना सुहाना हो रखा है। और ये पीछे आपका रोज़ गार्डन है चंडीगढ़ में। बिल्कुल इसी के साथ में है ये श्री हनुमान मंदिर ओजखास गाँव। तो इधर से स्टार्ट होता है ओजखास विलेज। तो जो आपने सुना होगा ओजखास विलेज, तो ये है वो। अंकित यहाँ पे ना जो यूरोपियन मार्केट्स है, तो उस तरह का थोड़ा सा टच आपको देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे एक कोने में रेस्टोरेंट है और यहाँ पे छोटी सी ये गली है ना, ये टी रूम फ्रॉम ब्लोजूम। ये बिल्कुल हम यहाँ वहाँ पे गए थे ना, इंग्लैंड यूके गए थे, तो वहाँ पे भी इस तरह का मेन्यू लिखा होता है। तो बिल्कुल यूरोपियन तक आता है। यस यस, एंड दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। बहुत सुंदर सी ये छोटी छोटी गली गलियारे हम बोल सकते हैं, और ये बिल्कुल लास्ट तक लेके जाते हैं। तो ये भी यहाँ की एक स्पेशल खास बात है। रास्ते में बहुत सारे ये देखो बोंकर्स डोंकर्स, इट्स अ शोरूम, वी कैन गेट गुड क्लोथ्स फ्रॉम हियर। दिस इज विवा आर्ट्स।
सो टिपिकल कैम्ब्रिज जब हम गए थे तो उस तरह की ही ये मार्केट मेरे को लगती है, काफ़ी सुंदर है, सो ब्यूटीफुल। हम देखते हैं कहाँ तक ये लेके जाते हैं हमें। ये देखिए, दिस इज सो ब्यूटीफुल, साफ सुथरी है। देखिए साइड में ये डियर पार्क है, यहाँ पे शायद डांस वांस का कॉन्सर्ट चल रहा है छोटा सा। यहाँ पे लोग एक्चुअली परफॉर्म करते रहते हैं, रैपर्स वगैरह। और यहाँ से हम एंटर कर सकते हैं डियर पार्क में। ये देखिए साइड में, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है डियर पार्क। और अभी आपको दिखाते हैं थोड़ा सा बॉलीवुड टच। ये है एंट्री यहाँ से डियर पार्क की। यहाँ देखिए ये चल रही है यहाँ पे डांस परफॉर्मेंस। Thank you.